और इसके बाद का शंकराचार्य जी बोल रहे हैं शंकराचार्य जी ऊपर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है, या हम कहते हैं किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज देश की 140 करोड़ जनता है, वो अपने अपनी बात रखने का उसको अधिकार है। अब वो अगर माने कि बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे मोदी जी को, या बीजेपी पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने अगर आशीर्वाद के रूप में उद्धव ठाकरे को सीएम बनने का आशीर्वाद दिया और उन्होंने यहां तक कहा कि आपके साथ विश्वासघात हुआ, बात सही कही उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने टूलकिट की जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी है, मैं स्पष्ट नाम ले रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसी है, जो आपका उनका मीडिया सेल है, वो इस तरह की 2-2 रुपल्ली देके काम करा रहा है। तो इससे क्या गरिमा नहीं की देश की? ये सब चीजों से देश ही गरिमा कर रही है। अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं या कोई व्यक्ति कह रहा है मैं आज मैं किसी पार्टी सपोर्ट करूं बीजेपी सपोर्ट ना करूं, तो इसके मतलब हमको टोलकिट बना दिया जाएगा। या कोई कोई व्यापारी है, कोई है, वो कहता नहीं मैं इसको चाहता हूँ, इसको चाहता हूँ। तो ये जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति में बदलाव